वैश्विक महामारी कोरोना की इस विकट घड़ी में जहां सरकार आम जनता को सुरक्षित रखने की हर संभव कोशिश कर रही है, वहीं बेड़ों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि स्मार्ट केंद्र में तब्दील करने का सरकार का प्लान है कि कर्मी गण काफ़ी नाखुश दिख रहे हैं। कारण है, इस विकट घड़ी में भी स्वास्थ्य केंद्र में जो मौलिक सामान होते हैं उसकी भी आपूर्ति नहीं हो पा रही। यहाँ के सभी कर्मचारी, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी हमारे झारखंड न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि यहाँ न तो पर्याप्त स्प्रिट है, न ग्लव्स और न ही मास्क, न ही सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है। हम लोग क्या करें? कल्पना कीजिए, अगर स्वास्थ्य कर्मी खतरे में पड़ जाते हैं तो आम पब्लिक को देखेगा कौन? सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जब इस प्रकार के सच्चाई सामने आता है तो माथे पर चिंता की लकीर झलकना लाजमी है। सरकार को तत्काल संज्ञान लेते हुए हर संभव प्रयास करना चाहिए कि वस्तुओं की आपूर्ति मुहैया कराई जाए। ना सैनिटाइजर मिला है, हम लोग जान में जोखिम लेके अपना काम कर रहे हैं। तो आपके पास ग्लव्स भी है? ये ग्लव्स तो मेरा सर्जिकल ग्लव्स है, एल्बो तक वाला ग्लव्स हमको नहीं मिला, नहीं मिल पाया है। देखिए सर, ग्लव्स भी, मास्क भी देखिए हमको, जो कि डिस्पोजल मास्क है जो कि 6 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा, 95 वाला हमको मिला है। यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार का शिकायत है। अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये हाल रहेगा तो आम पब्लिक को क्या इन लोग कर पाएंगे, सेवा दे पाएंगे? देखिए इनसे भी डालने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, आखिर जो स्वास्थ्य केंद्र है, अभी कुछ दिन पहले इसको स्मार्ट बनाने का ये घोषणा हुआ है और कुछ दिन पहले यहाँ श्री विधायक बंधु तिर्की जी भी आकर के गए हैं, फिर भी सुन रहे हैं कि आप लोग को बहुत ज्यादा परेशानी का झेलना पड़ रहा है, कारण क्या है? हम लोग को अभी जो कोरोना वायरस चला हुआ है उसमें कौन मरीज संदिग्ध है, कौन क्या है, हम लोग को तो पता नहीं है। सबके संपर्क में रहते हैं और वो आ रहे हैं मरीज, काफी बाहर से जो आ रहे हैं उनको जांच। आप लोग को सब सुविधा मिल रहा है कि नहीं? नहीं, हम लोग को सभी सामान ग्लव्स नहीं मिला हुआ है, 95 मार्क्स मास्क। देखिए यहाँ सरकार के पास फेल होते हुए दिख रहे हैं, और जहाँ सरकार कह रही है कि पूरी तरह से भारत को लॉकडाउन किया गया है, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़ों का स्थिति देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो क्या अभी तक आप लोग को किसी सफाई करनी है? देख रहे हैं इनके पास अभी तक ड्रेस नहीं है, ये अपना ड्रेस में और सिर्फ एक मास्क और ग्लव्स पहन करके काम को कर रही है, हालांकि ये अपने काम में तत्पर है। सभी जगह आप देख सकते हैं सैनिटाइज किया गया। मेरा नाम नीतू। क्या आपको सैनिटाइजर अभी तक नहीं उपलब्ध हो पा रहा है? हमारे यहाँ पे तो और भी चीज, क्या और भी सामान की कमी है? सैनिटाइजर नहीं है, हमारे स्प्रिट नहीं है, ये तो बहुत ही स्टाफ के लिए सभी स्टाफ का कहना है कि सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्प्रिट भी नहीं है। बहुत जरूरी है सर, ये बताइए आप कि यहाँ पे जो कमी है, इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? जो यहाँ के व्यवस्थापक है व्यवस्था करेंगे, इस प्रकार कमी है चाहे हाईकमान को अवगत कराएंगे कि हमारे यहाँ कर्मचारियों को जो है ये सब जो प्राथमिक स्तर में सुविधा। आपका क्या नाम हुआ? राजेश ठाकुर जी। इस प्रकार देखिए डॉक्टर मैम जो है इतना पेशेंट को देखने में लगी हुई है, अपना ड्यूटी कर्तव्य को निभा रही है, ये पूरी तरह से देखने को मिल रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। जबकि यहाँ डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि नहीं बहुत ज्यादा कमी है, फिर भी हम लोग क्या करें, मैनेज कर रहे हैं। कैमरामैन के साथ मैं मनीष कुमार, अमर झारखंड न्यूज़ बेड़ों।